तीखा चटपटा खाने का मन हो तो एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी याद आती है, वो है मिसल पाव। मिसल पाव बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है घर पर भी, और ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन तरीके से इस मिसल पाव को किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मेन इन्ग्रीडियंट है हमारा मोठ, इसे मटकी भी कहते हैं महाराष्ट्र में। तो ये मैंने ली है लगभग 300 ग्राम। यहाँ पर हमारे मोठ थोड़े अंकुरित हुए हैं, जब अंकुरित मोठ होते हैं तो हमारा मिसल बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। मिसल पाव बनाते हैं तो इसकी तीखी चटपटी सी ग्रेवी बनती है, उसका एक स्पेशल मसाला होता है और स्पेशल तरीके से उसे बनाया जाता है। पर हमारी जो मोठ है इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं, लगभग 3 सीटी लगाकर हम कुकर में इसे उबालेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मिसल पाव बनाने के लिए हमें फ्रेश मसाला ही बनाना पड़ता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 4 चम्मच सूखे धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा और 7 से 8 ली है मैंने लहसुन की कलियाँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 स्टार फूल इस तरह के जो आते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 लौंग, 10 से 12 ली है काली मिर्च, 2 इंच लिया है दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही कुछ पीस लिए हैं सूखे नारियल के। हमारे सभी खड़े मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम हमारा सूखा धनिया, साथ ही जीरा, स्टारफुल और लौंग को ऐड कर देते हैं, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च और दालचीनी। यहाँ पर हम लगभग आधे से 1 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छी तरह से एकदम स्लो और मीडियम गैस पर भून लेते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल। अभी हमारी कढ़ाई यहाँ पर थोड़ी सी गर्म है, उससे नारियल भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा। मसाले को मैंने निकाल लिया है, उसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हमारी लहसुन को थोड़ा सा भून कर ले लेते हैं। ये मैंने ली है लगभग 6 से 7 लहसुन की कलियां, इसे भी थोड़ा भून लेंगे। यहाँ पर हमारी लहसुन अच्छे से भून गई है, इसे हमें इतना ही भूनना है। हमने जिस मसाले को भून कर लिया था उसे में लहसुन को भी ऐड कर देते हैं। इस सभी मसालों को हम अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं, बाद में हम इसे पीस लेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और पीसने के समय मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर मैंने लिया है हमारे मिसल को बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच तेल, इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा ही लगता है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच राई, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के लगभग जीरा। यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ते इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े प्याज जिन्हें मैंने एकदम बारीक कट किया है, अच्छी तरह से गोल्डन हो जाने तक भूनना है। यहाँ पर हमारे प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं, देखिए इस तरह से। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारे प्याज में और थोड़ी देर के लिए बढ़िया सा भून लेंगे। यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लिया है। हमारा मसाला यहाँ पर बढ़िया सा गोल्डन हो गया है। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे लगभग 8 से 10 करी पत्ते। करी पत्तों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं हम हमारे इस मसाले में। अब यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं हम हमारा मिसल मसाला, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे मिसल मसाले को। मिसल मसाला आप थोड़ा ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में इसे स्टोर करके रखें तो ये ख़राब नहीं होता और जब चाहे तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस मिसल मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं हम हमारे इस मसाले में। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट, ये है मेरे पास 2 टमाटर का पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च को भी साथ ही में पीस लिया था, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हमारे मसाले में और बहुत अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पर इसी मसाले में हम ऐड कर देंगे लगभग 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैंने मटकी को उबाला था तो उसमें भी थोड़ा नमक ऐड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा कम ही नमक का यूज़ किया है। यहाँ पर अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से कुक करेंगे, जब तक ऑयल इससे सरफेस आउट नहीं हो जाता है तब तक हम इसे मीडियम और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट हुए हैं और ये देखिए हमारी टमाटर की जो ग्रेवी है उससे ऑयल सरफेस आउट हो गया। हमने इस मटकी को जिसको उबाल कर रखा था उसे इसमें ऐड कर देते हैं। जब मसाले के साथ ये उबलेगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमारा मिसल बहुत अच्छे से उबल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक लग रही है। यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हम गर्म पानी, लगभग 100 से 150 ml हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये उबलता है तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। हमारे इस मिसल को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे।
लगभग 8 से 10 मिनट हुए हैं और हमारा मिसल ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो अच्छे से हमारे मिसल के ऊपर तरी आ गई है। तरी से ही हमारे इस मिसल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग 1/4 चम्मच गरम मसाला। हमारे इस मिसल में जब हम गरम मसाला एंड में ऐड करते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है हमारे इस मिसल की। बहुत बढ़िया सा हमारा मिसल यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया इसमें खूब सारा ऐड करें क्योंकि इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जैसे बढ़िया सी ग्रेवी के साथ तीखा चटपटा और एकदम जनजनीत मिसल हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। हमारे इस मिसल को सर्व करते हैं हम गर्मा गर्म पाव के साथ। हमारा जनजनीत मिसल तो बनकर तैयार है, यहाँ पर अब हम पाव तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा तवा थोड़ा गर्म हो गया है। जिस साइड हमने बटर लगाया है उस साइड से हम पाव को तवे पर ऐड कर देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ही इसे हम सेकेंगे। इस पाव को हमें कड़क बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा बटर हम दूसरी साइड भी लगा देते हैं। इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लेंगे। बहुत ज्यादा इसे नहीं सेकना है। बस हमारे पाव यहाँ पर सेक कर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सनसनीत मिसल बनकर तैयार है और बहुत बढ़िया से हमने पाव को भी इसमें ऐड कर दिया है। तो सनसनीत मिसल पाव हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। एक महाराष्ट्रियन रेसिपी, बहुत टेस्टी इस तरह से हमारी महाराष्ट्रियन रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इस तरह के बढ़िया से टेस्टी से मिसल पाव को आप भी अपने यहाँ एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा।